हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट एंड पाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया और एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आई है जेई रैंकर्स के लिए। अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख के अंदर है तो तुम सीसा में पार्टिसिपेट करो। सीसा में पार्टिसिपेट करने की प्रक्रिया क्या है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, इन सब पे मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन क्या से सीजन में पार्टिसिपेट करें कि अपने को 1 लाख तक भी NITs मिल जाए, ट्रिपल ITs मिल जाए या कोई अच्छी GFTI मिल जाए। हमें स्टेट में लेना चाहिए, स्टेट में एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर सीसैप में बैठना चाहिए, इन सब पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अपन लोग लाइव भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। वीडियो को लास्ट तक देखो, सीसैप से रिलेटेड सारे डाउट्स तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी जोसा में कैसे चॉइस फिलिंग करना है उसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें प्रोवाइड कराया था। इस बार भी सीसैप के लिए हो सके तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन फिर वही बात है कि सीसैप एक रिस्की प्रोसेस है, यू नीड टू अ काउंसलर। ठीक है, तो तुम काउंसलर के संपर्क में जरूर ही रहना। तो चलो फिर देखते हैं कि अपने को क्या अपना सीसैप का लास्ट डेट कब है। तो गाइस सबसे पहले तुम यहाँ पे सीसैप पे क्लिक करना, सीसैप की वेबसाइट खुल जाएगी और तुम्हें एक नई इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगी। सीसैप के पोर्टल पर जाओ एंड हियर यू विल गेट अ टेंटेटिव शेड्यूल। तो गाइस सीसैप की शेड्यूल आ चुकी है। जोसा के जितने सीट बचे रहेंगे 25 अक्टूबर को डिस्प्ले कर दिए जाएंगे कि कितनी वैकेंसी जोसा के बाद बची हुई है। उसके बाद से क्या करना है कि आपका फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट जो है 26 से लेके 28 के बीच में होगा। तो सिर्फ 26, 27, 28 तीन दिन का वक्त है। ठीक है, तो तुम्हें इन 3 दिन के अंदर ही पेमेंट भी कर देना है। 35,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, और अगर आप ओबीसी और एससी हैं तो ओबीसी और जनरल हैं तो 35,000 का पेमेंट करना है और उसके बाद से आपको बैठना है। तो जिन लोगों को NITs मिली हुई हैं वो आराम से यहाँ पे सीसैप में बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद से 29 और 30 में चॉइस फिलिंग होगी। हमें ध्यान रखना होता है कि चॉइस फिलिंग तभी कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में सिर्फ वही कॉलेज डालना है जिसे तुम ले सकते हो, अदरवाइज तुम्हारा पैसा डूबने का भय रहता है। उसके बाद से 30 तारीख को क्या हो जाएगा, 30 तारीख को तुम्हारा क्या होगा कि रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद से फ्रीज फ्लोट इन सब का ऑप्शन आएगा। उसके बाद फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, देन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा PW वालों के लिए ओनली। ठीक है, उसके बाद तुम सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग। तो कुल मिला जुला के डेट आ चुकी है सीसैप की, तो सीसैप की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, पैसे जुटा के रख लो। सारे डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए। ठीक है, तो सीसैप में पार्टिसिपेट करने से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है तुम्हें, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत हाई रैंक तक इसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। तो सीसैप में ध्यान रखना, ITs जो है सीसैप में जो है ITs पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, सिर्फ NIT प्लस सिस्टम में ही एडमिशन मिलता है, मतलब NIT, IIIT और GFTI में। ठीक है, इवन एट लोअर रैंक पे भी चांस रहता है कि एक बढ़िया कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सीसैप सब लोग नहीं भरते हैं, बहुत ही रिस्की प्रोसेस रहता है, 35,000 डूबने का डर रहता है, इसलिए सारे लोग नहीं भरते हैं। तो सीसैप में तुम जरूर पार्टिसिपेट करो अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख के आसपास भी है तो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें GFTI, IIIT या फिर NIT मिलने के फुल चांसेस हैं। इसका शेड्यूल रिलीज हो चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। अगर तुम्हें सीसैप की चॉइस फिलिंग हमसे करानी है तो अर्ली बर्ड ज्वाइनिंग कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन इट। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा IIIT, NIT एंड GFTI। ध्यान रहे, IITs एडमिशन नहीं देंगी, IITs एडमिशन नहीं देंगी। ठीक है, और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ कि सीसैप में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, कितना सीसैप में पैसा लगता है इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर तुम्हें मुझसे चॉइस फिलिंग करानी है तो 3,999 में करा सकते हो। दोनों राउंड सीसैप के दोनों राउंड में हम चॉइस फिलिंग तुम्हारी कर देंगे। साथ ही साथ तुमको एक पर्सनल मेंटर असाइन कर दिया जाएगा जो तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करेगा इस चॉइस फिलिंग के टाइम में। एक तुम्हारा पर्सनल ग्रुप भी बना दिया जाएगा, दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर एवरीवन आल्सो। तो अगर आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करानी है हमसे तो जरूर ज्वाइन करिए। हमारा जो मेन फोकस है इसमें NITs, IIIT एंड देन GFTI पे है। चाहे आपकी लोअर रैंक ही क्यों ना हो, आई विल हेल्प यू एट ईच एंड एवरी टाइम थ्रू द काउंसलिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा सीसैप की डेट को लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करना मत भूलना।